Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक नए फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो सारे के सारे? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे, अपने घर होंगे, स्टे होम एंड बी सेफ। और अभी हम आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैंने एंड करा था होटल में, हम निकल रहे थे चीचम के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं चीचम के लिए और अभी हम रुके हैं, ये चला जाएगा चीचम किब्बर और ये जो रास्ता है ये की मोनेस्ट्री के लिए। और अभी हम जा रहे हैं चीचम की मोनेस्ट्री। हम सुबह होया है, आपको ब्लॉग दिखा दिया था, मैंने ब्लॉग में दिखा दिया था। बाकी अभी चलते आगे और अपनी गाड़ी 976 किलोमीटर चल चुकी है, फुल टैंक है और कोई दिक्कत नहीं है। और अभी चलते हैं और गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो चुकी है, तो चलो फिर चलते हैं चीचम ब्रिज। एशिया का ऊँचा ब्रिज है वो, तो अभी चलते हैं चीचम ब्रिज। और ये सामने एक विलेज है, विलेज का नाम तो नहीं पता, लेकिन देखो कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा विलेज, कितना प्यारा लग रहा है और कितना प्यारा पहाड़ लग रहा है। ये वाला वाइट कलर के घर है इसमें बीच में, और वाइट और येलो, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। छोटा सा विलेज, मुश्किल से 40-50 घर होंगे, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और जूम करके दिखा देता हूँ, माउंटेन्स के बीच में और इतना प्यारा विलेज। और आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, नीला आसमान, नीला गगन। और अभी टाइम हो रहा है 9:30, चीचम हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, 2-2.5 किलोमीटर रह गया, अभी पहुँच जाएंगे चीचम। सामने चीचम ब्रिज, एशिया का सबसे ऊँचा ब्रिज है ये रहा। अभी जा रहे हैं अंदर एशिया के ब्रिज पे, अपनी गाड़ी को उतारते हैं अच्छे से। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. अभी हम चीचम ब्रिज पे घूम रहे हैं, पूरे मजे लेते हैं। ये देखो, ये है चीचम ब्रिज जो कि पूरा तारों पे रुका हुआ है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। अभी सपोर्ट भी दिखाऊंगा। और नवीन भाई पता नहीं अलग ही घूमते हैं, हमारे से क्या दुश्मनी है पता नहीं, हमारे साथ है ही नहीं, ना हमारे साथ व्लॉग बना रहे हैं, ना हमें अपने व्लॉग में ले रहे हैं। शायद हमारे साथ कुछ दुश्मनी हो नवीन भाई की, या हमारा हमने कुछ वो ऐसा बोल दिया जो बुरा लग गया। गाड़ी में बस साथ साथ रहते हैं भाई सब, कहीं दिखा और गाड़ी से वो नीचे उतरे, वो भाई पता नहीं कहाँ है अब। देखो यहाँ से आए थे अभी हम, और हमने गाड़ी वाड़ी उधर खड़ी कर दी, वो पता नहीं इधर भी है कहाँ, तो पता नहीं क्या दुश्मनी है। और नीचे शायद ट्रक गिरा हुआ है एक, ये देखो कितनी गहराई है इसकी। और ये है चीचम ब्रिज, एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सपना था एक यहाँ आने का, और यहाँ पे एक ट्रक गिरा हुआ है, वो देखना पड़ेगा, ट्रक है ट्रैक्टर कहाँ है वो देखना पड़ेगा कहाँ है, कौन सी साइड है, अभी देख के यार फिर हम आपको दिखाते हैं हम। और अगर कोई गाड़ी जा रही है ना निकल के, अभी स्कॉर्पियो गई है भाई साहब, हिल रहा है, धक धक हो रही है दिल में धक धक। और ये वायर पे देखो, ये वायर पे रुका हुआ है सारा ब्रिज, ये लगे ना वायर चारों तरफ, ये इस पर रुका हुआ है। और आप ये देख सकते हो, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ तारों पे रुका हुआ है। एशिया वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, और
आप लोग यहाँ भी जा सकते हो, ऊपर साइड से रास्ता है। और अभी हम निकल चुके हैं चीचम से, चीचम ब्रिज से। बहुत सारे फोटो रील्स इंस्टा के लिए और क्या नाम है यूट्यूब के लिए बहुत सारे शॉर्ट्स लिए, तो लाइक भी कर देना इतनी मेहनत करिए और शेयर भी कर देना। बाकी अभी निकल चुके हैं हम चंद्रताल के लिए और आज का स्टे अभी कुछ नहीं पता कहाँ क्या होने वाला है, और बहुत सारा रश हो गया, बहुत सारे लोग आ गए, तो निकलने में फायदा था हमारा, इसलिए अब हम निकल चुके हैं। और ये रहा चीचम का पुल ब्रिज, चीचम ब्रिज। और यहाँ पे दो ट्रैवलर ये आई हुई है ना, इसमें इतनी पब्लिक आई है कि ये भर गया चीचम ब्रिज। और अभी हम जा रहे हैं चंद्रताल की तरफ। ये पहाड़ों के बीच में एक ग्राउंड, अब इसे इसमें क्रिकेट भी खेल लो चाहे कुछ भी कर लो, ये एक ग्राउंड है पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ इसके पहाड़। ये देखो इधर भी और पूरा ग्राउंड है ना, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, जो मना है वो खेल लो। और अभी ऑफ रोड स्टार्ट होने वाली है हमारी, और बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी आपने देखा होगा फोन से रिकॉर्ड करा था, वो बहुत ही प्यारा व्यू है। और यहाँ की रोड बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक समझ लो, कुछ ही समझ लो, डर लगता है, लैंडस्लाइड का भी डर है। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे बारिश नहीं, बहुत ही ना के बराबर ही पड़ती है, इस वजह से लैंडस्लाइड यहाँ कम होती है। पर ऑफ रोड के साथ छोटे छोटे रोड, जिसमें एक रोड एक ही गाड़ी पास हो सकती है, आमने सामने अगर दो गाड़ी हो जाए तो नहीं पास होगी, या तो पहले देख लो गाड़ी को 1 किलोमीटर पहले से। ये देखो कितनी प्यारी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीनरी बना दी हो मैन मेड, लेकिन मैन मेड कुछ नहीं है, सब नेचर का कमाल है, सब नेचर की कुदरती है, सब कुदरती। और ये देखो पिलर छोटे छोटे से राजा की तरह खड़े हैं, सब कुदरती है, नेचुरल है। कितनी प्यारी सीनरी लग रही है, बहुत ही प्यारा नज़ारा। एक बनानी है रील और खींचते फोटो। और ये क्या है, तितली और उनकी मधुमक्खी आ गई, और यहाँ खींचते फोटो फिर चलते आगे। गाइज हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 505 पे। और अभी हम पहुंच चुके हैं लोसर, लोसर लोसर जो भी है लोसर, और आपको नज़ारे दिख ही रहे होंगे। और यहाँ पे हमारे नेटवर्क आने वाले हैं, तो अभी यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाने का मन करेगा तो खा लेंगे, वरना फिर अपना चले जाएंगे आगे। थोड़ी देर नेटवर्क आ जाएंगे या तो नेटवर्क चला लेंगे, कुछ अपलोड कर लेंगे। और अभी हम लोसर में एंटर कर रहे हैं, और ये लकड़ी का पुल है, बिल्कुल लकड़ी का। Thank you.
एक ही साइड में बस ग्रिल है, नीचे लकड़ी थी, लकड़ी जो फट्टे होते हैं ना, फट्टे उनका पुल था। और अभी चलते हैं लोसर में, रुकते हैं थोड़ी देर, नेट चलाते हैं अपना। और अभी हम लोसर क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ BSNL के टावर है, जियो के नहीं है। तो हमारे पास जियो एयरटेल है, टावर तो देखो कितने लंबे लंबे लगे हैं ये देखो, लेकिन हमारे जियो के नहीं लगे हैं। तो अच्छा शहर नहीं है जब हमारा नेटवर्क नहीं होता है। तभी हम लोसर को कर रहे हैं क्रॉस, चल रहे हैं चंद्रताल की तरफ। अब देखते हैं चंद्रताल का रास्ता कैसा मिलता है हमें, और ऑफ रोड ही मिलने वाला है वो तो हमें पता ही है। देखते हैं कहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट होती है। यहाँ लोसर से मतलब एग्जिट करोगे जब भी एंट्री है, और लोसर में उधर से एंट्री करोगे मतलब मनाली की तरफ, तो जब भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो लोसर में हमारा रुकने कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम जा रहे हैं। अब हमारा मूड ऑफ हो गया, साली कल से रील अपलोड नहीं हुई है, 4 किलोमीटर फालतू चले गए गाड़ी लेके, जब नहीं हुई।